गोपाल ब्राह्मण समाज विजयनगर द्वारा अपने आराध्य श्री श्रृंगी ऋषि का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भव्य शोभा यात्रा कर मनाया गया। उसके बाद प्रतिभावान विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यताधारी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल, टीचर्स आदि का सम्मान किया। इसके साथ ही समाज की वयोवृद्ध जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष लक्ष्मण लाल शर्मा ने वार्षिक लेखा झोंका और सचिव बालमुकुंद जोशी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अतिथि राकेश पारिक, विधायक मसूदा ब्रह्मानंद शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम कैलाश चंद्र शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर निरुपम पांडे, कॉरपोरेटिव मैनेजर नवीन शर्मा सहित समाज के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। नवभारत समाचार अजमेर राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। सभी अतिथि वृंद, सिखवान समाज के मेरे सभी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं आप सभी को ऋषि श्रृंग जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर आपको अपना आत्मगौरव याद करने के लिए प्रेरित करता हूं कि आप अपने गौरव को याद करें, आप किनके वंशज हैं इस बात को याद करें और उसके योग्य अपने को बनाने का प्रयास करें कि हम अपने आप को उनके वंशज सिद्ध करें। क्योंकि कहा गया है कि जिसको न निज गौरव तथा निज वंश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जिसे अपने आत्मगौरव का भान नहीं है, जिसे अपने कुल गौरव का अभिमान नहीं है, जिसे अपने देश का अभिमान नहीं है वह मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य के रूप में पशु है और मरे हुए के समान है। इसलिए हम अपने आत्मगौरव को याद रखें, यह आवश्यक है। आत्मगौरव को याद करना एक और कारण से भी आवश्यक है। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति जंगल में भेड़ चराने गया और उसे एक शेर का बच्चा, जिसे सिंह और सिंहनी दोनों छोड़ के कहीं चले गए होंगे, वो उसे मिल गया और उसे उठा लाया। छोटा सा साहब बच्चा था, उसे उठा लाया और अपनी भेड़ों के साथ में भेड़ के